नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे दो बड़ी क्रिकेट की खबरें और उनके ऊपर करेंगे विश्लेषण। तो पहली जो खबर है वो ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के से ओर से ये खबर आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को 300 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा अगर इंग्लैंड में 28 मई तक क्रिकेट दोबारा शुरू नहीं हो पाता। तो आप इसके ऊपर मेरी ये राय है, मेरा अगर विश्लेषण करें तो मेरी ये राय है कि 28 मई तक इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं शुरू हो पाएगा। 28 मई के बाद भी अक्टूबर तक इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं हो पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट हो सकता है लेकिन कोई लीग वहाँ पे जैसे उनकी T20 ब्लास्ट है या वहाँ पे कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इंग्लैंड की सरकार ने 6 महीने के लिए लॉकडाउन किया था कुछ ही दिन पहले, जो कि 28 मई तक वो ही ख़त्म नहीं होगा। अगर लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता है तो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं जा पाएगा इंग्लैंड में, कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जा पाएगी इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन किया गया है। तो ऐसे में वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट हो सकता है 28 मई तक, 28 मई के बाद या उससे पहले शुरू हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो T20 उनका T20 ब्लास्ट लीग है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयरों की मौजूदगी होनी ज़रूरी है, वो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है या दूसरी बड़ी सी टीमों के साथ जो उनका होम सीजन होना है, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल टीम वहाँ पर नहीं जा पाएगी लॉकडाउन के कारण। तो ये एक जहाँ पे अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को 300 जो मिलियन पाउंड का नुकसान होना था वो तो होगा ही होगा, उससे ऊपर भी नुकसान हो सकता है क्योंकि T20 ब्लास्ट अगर उनकी ये लीग रद्द हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, इसके साथ में नुकसान होगा। और जो इंग्लैंड का होम सीजन है अगर वो नहीं हो पाता है तो उसके साथ में भी नुकसान होगा। और जो दूसरी खबर है उसके आगे उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर है वो IPL के बारे में है और जहां पर माइकल वॉन्ग ने कुछ IPL के बारे में बोला है। एक न्यूज रिपोर्टर है इंग्लैंड के जिन्होंने माइकल वॉन्ग से एक सवाल पूछा कि BCCI जहां पे देख रहा है कि अक्टूबर नवंबर में वो IPL कराना चाहता है, T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर सील कर दिया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो माइकल वॉन्ग ने बोला कि मेरी राय ये है इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ IPL हो और उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप हो। ऐसे में हमारे खिलाड़ियों को और बाकी सारे टीमों के खिलाड़ियों को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी और उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि मैं चाहता हूँ T20 वर्ल्ड कप पक्का हो। तो ये था दो बड़ी खबरें जिनके ऊपर हमने विश्लेषण किया, आपको मैं बताना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले, हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा जो अकाउंट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको कर लीजिए फॉलो, क्योंकि वहाँ पर हर घंटे हर दो घंटे के बाद हिंदी में आपको क्रिकेट न्यूज़ मिलती रहती है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, कॉमेंट करना और शेयर जरूर करना।